एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है और किस तरह से काम करती है, आज की वीडियो के हम ये सीखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं फिल्म मॉर्निंग्स के एक न्यू एपिसोड में। भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रीमियर प्रो के अंदर एडजस्टमेंट लेयर क्या काम करती है और एडजस्टमेंट लेयर का किस तरह से यूज़ होता है और आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर को। अब यहाँ पर ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, तो आप सभी लोगों से मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों से, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के ऊपर हो चुके हैं। इसको अगर आप लोग 50K तक ले जाओगे तो फिर कुछ बड़ा किस्म का हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रीमियर प्रो के अंदर एडजस्टमेंट लेयर किस तरह से यहां पर काम करती है। अब देखो यहां पर लेट्स सपोज के आपने अपनी चार लेयर्स के ऊपर या चार जितने भी आप लेयर्स लगा लें, आपने चार लेयर्स के ऊपर आपने अपनी वीडियोस को अपनी तस्वीरों को सेट करके रखा हुआ है और छोटे छोटे पार्ट्स में आपकी वीडियोस या पिक्चर्स वहां पर आपने सेट करके रखी हुई है, ठीक है, एडिटिंग के लिए। अब यहां पर होगा कुछ, क्योंकि आप चाहते हैं कि जी आप अपनी वीडियो के ऊपर, अपनी पूरी वीडियो के ऊपर आप सिनेमैटिक ब्लैक बार इफेक्ट लगा लें, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। आप अपनी पूरी वीडियो के ऊपर एक सिनेमैटिक ब्लैक बार इफेक्ट लगा लें तो किस तरह से आप लोग लगाएंगे। एक तो यहां पर मेथड ये है कि आप यहां पर हर पार्ट के ऊपर, अपनी हर पिक्चर के ऊपर अलग अलग करके आप वो इफेक्ट लगाएं, ठीक है, अलग अलग करके आप सिनेमैटिक 21:9 का इफेक्ट लगाएं। दूसरा यहाँ पर मेथड ये है कि जो कि एडजस्टमेंट लेयर का यूज करते होता है, यहाँ पर आपने सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर को पकड़ कर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टॉप लेयर के ऊपर। अब एडजस्टमेंट लेयर आपने लगा ली, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आप जितने भी इफेक्ट्स लगाएंगे, चाहे आप सिनेमैटिक बाज लगाते हैं, आप कोई और इफेक्ट लगाते हैं, आप शेकिंग इफेक्ट लगाते हैं, आप कुछ भी लगाते हैं, वो आपकी ओवरऑल फुटेज के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट लेयर को आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, ये एक बिल्कुल ब्लैंक लेयर है, ठीक है। इस लेयर के ऊपर आप जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो ओवरऑल आपके जो नीचे वाली लेयर्स होंगी उन सभी लेयर्स के ऊपर अप्लाई होगा। अब एक बात याद है कि एडजस्टमेंट लेयर का यूज करते हुए आपने इस लेयर को सबसे ऊपर वाली तरफ रखना होता है, क्योंकि जब आप इसको सबसे ऊपर वाली तरफ रखेंगे तो ही ये अपना जो इफेक्ट है वो नीचे वाली लेयर्स के ऊपर आपको दिखाएगा। सो अब हम बात करते हैं कि आपने एडजस्टमेंट लेयर को एक्सेस कहां से करना है। अगर आप प्रीमियर प्रो यूजर हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको यहां पर नहीं पता तो मीडिया पैनल के अंदर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है एडजस्टमेंट लेयर का, वहां पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप से आप अपनी एक कस्टम एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं, जिसको आप लोग ब्लैंक लेयर भी बोल सकते हैं। इस एडजस्टमेंट लेयर से आपका वीडियो एडिटिंग टाइम भी काफी ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लोग अलग अलग करके सबके ऊपर इफेक्ट लगाने लगे तो काफी ज्यादा टाइम जाया हो सकता है, लेकिन अगर आप सिंगल लेयर के ऊपर ही सारा इफेक्ट लगा दें तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल यहां पर बन जाता है। अगर आपके वीडियो लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में कुछ समझ लगी है तो नीचे कमेंट करके बता दें। उसके अलावा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अपने दोस्तों वोस्तों को जरा बता दिया करो इस चैनल के बारे में, पता नहीं यार अजीब ही कुछ चक्कर चल रहा है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो के बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।